जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अपनी ये जो क्लास है रोज होती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की। तो चलिए आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया उससे पहले आपके लिए बता दें, हिंदी साहित्य में 215 कवियों का और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से शेयर करें। तो जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको जो है परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी कहाँ पर, हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, और इस ऐप को आपके लिए डाउनलोड करना है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गए। संपूर्ण जीवन परिचय मिलेगा एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, 215 टेस्ट आपके लिए यहाँ पर होंगे, अलग अलग कवियों का एक टेस्ट में जो है जीवन परिचय मिलेगा। तो चलिए आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संदेश रासक खालिस्तान की श्रेणी में आता है, ये आपको बताने, खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है या फिर गीति काव्य है, बताइए। पूनम रानी जी और आरुषि जी, रति पाल जी, गुरप्रीत जी, क्या होगा सही राइट आंसर, मदन जी बताइए। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा जसमेल जी, संदीप जी, बिल्कुल विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर एक खंड काव्य माना जाता है, खंड काव्य लगा देते हैं सही आंसर, संदेश रासक एक खंड काव्य की श्रेणी में आता है, विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर होगा। संदेश रासक के रचयिता आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं संदेश रासक के रचयिता बताइएगा, अमीर खुसरो है, अब्दुल रहमान है या लक्ष्मीधर है या फिर हेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 187 पूछा गया है और 187 में आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। संदेश रासक के रचयिता पूछा गया है, तो संदेश अब जो है संदेश रासक के रचनाकार माने जाते हैं कौन, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। हरमिंदर जी, लखमिंदर जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बांधो ना नाव इष्ठाओं के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए, बांधो ना नाव इष्ठाओं के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क, निराला, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्तिबोध, बताइए। निशा जी, क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, बांधो ना नाव इष्ठाओं की रचयिता कौन माने जाते हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, जो कि विकल्प नंबर एक आप सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है ए, साखी किस कवि का काव्य संग्रह, साखी आपके लिए बताना है बताइए, केदारनाथ से, कुंवर नारायण या फिर मलयज या फिर विजय देव नारायण शाही। 189वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 189 में आपका क्या होगा सही राइट आंसर बताइए, साखी बताना है। सरल क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साखी पूछा गया है और साखी माना जाता है विजय देव नारायण शाही का, साही का साखी ये जो है काव्य संग्रह माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है वह सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। जमीन पक रही है, यहाँ से देखो केदारनाथ का काव्य संग्रह है ये, साखी जो है विजय देव नारायण शाही जी का माना जाता है और आमने सामने कुंवर नारायण और जख्म पर धूल ए मलयज जी का काव्य संग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 190 पूछा गया है, मछलीगर नामक काव्य संग्रह के संपादक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं बताइए, रौली जी क्या होगा राइट आंसर, गुरप्रीत जी मछलीगर बताना है, मछलीगर काव्य संग्रह के संपादक है दूधनाथ से है, विजय देव नारायण शाही है या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा है या धर्मवीर भारती है। पूनम रानी जी बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 190 का सही राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि विजय देव नारायण शाही आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विजय देव नारायण शाही आपका सही राइट आंसर है। इन्हीं का मछलीगर जो है काव्य संग्रह माना जाता है
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 191 का क्वेश्चन दिया गया है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा माना जाता है, बताइए। चिंतामणि द्वारा पूछा गया है कृष्ण चरित्र है या फिर काव्य प्रकाश है, श्रृंगार मंजरी है या फिर रस विलास है, प्रबंध काव्य है चिंतामणि, किसके द्वारा रचित है बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है चिंतामणि, ये जो है कृष्ण चरित्र चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य पूछा है, सॉरी इनके द्वारा रचित बताना है तो इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य माना जाता है कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। रामायण और रामाश्वमेघ ये इनके दो प्रबंध काव्य और माने जाते हैं, किनके, चिंतामणि द्वारा रचित ये माने जाते हैं दो प्रबंध काव्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया, लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं, लक्षण ग्रंथ माना जाता है कवि कुल कल्पतरु जो कि पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, ये 192 का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 92 में, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है आचार्य चिंतामणि, चिंतामणि आपका सही राइट आंसर है, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि इसके रचयिता माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पर 193 का क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं, वीरेंद्र जैन है, वीरेंद्र कुमार है, मिथिलेश्वर है या फिर गोविंद्र मिश्र है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ममता जी, सोनू जी, क्या होगा सही राइट आंसर, ऋतु प्रिया जी, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी लोग बता रहे हैं कि सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन इसके जो है रचनाकार माने जाते हैं, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा, तो लगा देते हैं विकल्प नंबर एक में सही राइट आंसर, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 194 क्या पूछा गया है देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 194, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता आपके लिए बता रहे कौन माने जाते हैं बताइए, तो क्या होगा सही राइट आंसर, सीतायन के रचयिता बता रहे, रोज अपनी क्लास होती है सुबह 9 बजे लाइव क्लास और सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता नाभादास है, पौलंग की राम मूर्ति है, जानकी रसिक शरण है या फिर राम प्रिया शरण है, और 94 में सभी लोग डी बता रहे हैं, डी यानी कि राम प्रिया शरण, राम प्रिया शरण आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, राम प्रिया शरण सीतायन के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो राम प्रिया शरण माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन माने जाते हैं, राम रक्षा स्रोत केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास या फिर रामानंद, चार विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुनेश जी, अनुका जी, क्या होगा सही राइट आंसर, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन माने जाते हैं, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 95 में, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, डी यानी कि रामानंद, रामानंद इसके लेखक माने जाते हैं, राम रक्षा स्रोत के लेखक है रामानंद, जो है संस्कृत के विद्वान थे और वैष्णव मताब्द भास्कर और रामार्जुन पद्धति इनके प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 196, उपदेश रसायन की रचयिता कौन माने जाते हैं बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर, जनदत्त सूरी है, जनधर्म सूरी है, शालिबद्ध सूरी है या फिर धनपाल है बताइए, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, तो विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है, उपदेश जो है जन जन तक पहुंचाना है, उपदेश
तो उपदेश जो है जन से जो है जिन दत्त सूरी, आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ये जिन दत्त सूरी की रचना मानी जाती है उपदेश रसायन रास, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही राइट आंसर होगा। अपभ्रंश में रचित काव्यों की चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी 12वीं शताब्दी के जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 197 का क्वेश्चन है कि संशय की एक रात के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और सभी लोग चयन कीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। और संशय की एक रात मुक्तिबोध है, श्रीकांत वर्मा है, धूमिल है, नरेश मेहता है और तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है नरेश मेहता। नरेश मेहता आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है, संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता है। यह नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता मानी जाती है। इनके अन्य काव्य संग्रह की बात करें बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत आदि इनके काव्य संग्रह माने जाते हैं। आकाश गंगा काव्य संग्रह किनका माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 198 दिया गया है, आकाश गंगा बताना है, बताइए आकाश गंगा। और बालकृष्ण शर्मा नवीन है, भगवती चरण वर्मा है, राम कुमार वर्मा है या फिर उदय शंकर भट्ट है, चयन कीजिएगा। आकाश गंगा काव्य संग्रह किनका माना जाता है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। जिन्होंने यहाँ पर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है, दुष्यंत कुमार आपके लिए बताना है, बताइए अपनी केवल धार की रचनाकार है या फिर कोटियों पर टंगे लोग, साय में धूप या फिर युग धारा। 199 वा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर। सोनी जी बताइए और आप सभी का सही राइट आंसर है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार बताना है, तो आपका सही राइट आंसर है साय में धूप के रचनाकार कौन माने जाते हैं, दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है सही राइट आंसर होगा, एक गजल संग्रह माना जाता है दुष्यंत कुमार जी का। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आबादों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, इनके कविता संग्रह है। एक कंठ विस्पाई एक काव्य नाटिका मानी जाती है दुष्यंत कुमार जी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 200 का क्वेश्चन, ये डबल हो गया। दुष्यंत कुमार जी की काव्य कृति मानी जाती है साय में धूप। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है, बताइए माया देवी जी, क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं शांति सिंह जी, और कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं बताना है। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 201 पूछा गया है और महाप्रस्थान जो है, महाप्रस्थान ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, महाप्रस्थान ये रामकथा पर आधारित नहीं है, ये महाभारत पर आधारित है। यह जो है प्रबंध काव्य महाभारत कथा में स्वर्गारोहण की घटना को समकालीन यथार्थबोध से संबंध कर नई अर्थवत्ता प्रदान की है। और महाप्रस्थान का प्रकाशन 1975 में हुआ, किंतु युग चित्रण की दृष्टि से यह जो है चिरंतन है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 202 का क्वेश्चन, क्या पूछा गया है देखिएगा, ये रहा कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक रामकथा पर आधारित नहीं है, तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर डबल हो गया है, महाप्रस्थान आपका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है क्या है, क्वेश्चन नंबर 203 है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है, बताइएगा। चार विकल्प दिए गए हैं और क्या होगा सही राइट आंसर, या ये तो पूर्णता कल्पित है या फिर भागवत पुराण से या रामायण से या महाभारत से।
203 का सही राइट आंसर बताना है और महाभारत आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। धनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति मानी जाती है रश्मि रथी, इसकी कथा वस्तु ली गई है महाभारत से, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, क्या होगा सही राइट आंसर अग्निलीक, तो यहाँ पर आपका सही राइट आंसर क्या होगा लक्ष्मी नारायण लाल है, सेठ गोविंद दास है, भारत भूषण अग्रवाल है या फिर नरेश मेहता है, तो क्या होगा सही राइट आंसर अग्निलीक बताना है। और अग्निलीक जो है ये माना जाता है किनका, अग्निलीक हो गई, अग्निलीक हो गई और पूरे भारत में जो है भूषण जो है मचा दिया, तो अग्निलीक जो है ये भारत भूषण अग्रवाल जी की जो है रचना मानी जाती है अग्निलीक, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 205वां क्वेश्चन पूछा गया है, शमशेर बहादुर शाह द्वारा लिखित द्वाब किस विधा की रचना है, अंश जी बताइए द्वाब बताना किस विधा की रचना मानी जाती है, चयन कीजिएगा द्वाब कहानी है समीक्षा है उपन्यास है या फिर काव्य है, और सही राइट आंसर आ रहा है मंजू मैनपुरी जी शमशेर बहादुर से द्वारा लिखित द्वाब किस विधा की रचना है और यहाँ पर आपका काव्य होगा राइट आंसर। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है काव्य उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। 205 का राइट आंसर बताना है, 205 का राइट आंसर है काव्य विधा की रचना मानी जाती है जिसका प्रकाशन 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 206 पूछा गया है, देखिएगा ये रहा आपके चार विकल्प, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा ये आपके लिए चयन करना है, बताइए कौन सा विकल्प है राजीव जी जिसमें सभी लेखकों ने कवि और नाटककार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है दोनों रूपों में, जयशंकर प्रसाद ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और रामकुमार वर्मा ने, तो विकल्प नंबर आपका बी जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक जो है अधिक प्रसिद्ध है, रेडियो नाटककार के रूप में बताना है कौन है, चिरंजीत है, मोहन राकेश है, जयशंकर प्रसाद है या फिर सेठ गोविंद दास है, 207 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रीमा कुमारी जी, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि रेडियो नाटककार के रूप में जो लेखक प्रसिद्ध है अधिक प्रसिद्ध है वह चिरंजीत है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर हरमिंदर जी सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। वर्तमान में नाट्य संप्रेषण के 3 माध्यम हमारे सामने विद्यमान है, प्राचीन काल से चला आ रहा रंगमंच का माध्यम तो है ही, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति से नाट्य संप्रेषण के 2 और माध्यम आविष्कृत और हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, मंगलेश डबराल की रचना बताना है कौन सी मानी जाती है, बताइएगा जख्म पर धूल या फिर पहाड़ पर लालटेन या सुनो कारीगर या सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, क्या होगा सही राइट आंसर, चार विकल्प है आपके यहाँ पर चयन करना है सही आंसर का, और मंगलेश डबराल की रचना बता रहे हैं कौन सी है, और सभी लोग बता रहे हैं कि पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन लेकर कौन गया, मंगलेश डबराल जी, तो मंगलेश डबराल जी की रचना मानी जाती है पहाड़ पर लालटेन, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। घर का रास्ता हम जो देखते हैं आवाज भी एक जगह है, इन्हीं की रचना मानी जाती है डबराल जी की। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए संगीता जी कविता की तीसरी आंख की रचनाकार कौन है, शेर गंज गर्ग है, मृदुला गर्ग है, प्रभाकर श्रोत्रिय है या फिर इनमें से कोई नहीं है, क्या होगा सही राइट आंसर, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार पूछा गया है और सभी लोग यहां पर बता रहे हैं कि प्रभाकर श्रोत्रिय लगा दीजिएगा सही राइट आंसर विकल्प नंबर सी में,
तो सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है प्रभाकर श्रोत्रिय, आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है कविता की तीसरी आंख। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, मैंने स्मृति के दीप जलाए ये रचना आपके लिए बताना है किन की मानी जाती है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या रामनाथ समन, क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 210 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना मानी जाती है, ये रचना मानी जाती है किनकी, रामनाथ समन जी की। रामनाथ समन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 की रचना है और एक इनकी अन्य रचना मानी जाती है छायावाद युगीन स्मृतियां 1975 की। भाषा भूषण के रचनाकार आपके लिए बताना है कौन मानी जाती है बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर, चार विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, भाषा भूषण के रचनाकार आपके लिए बताना है और भाषा भूषण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, और आप सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि जसवंत से राइट आंसर होगा, जसवंत से लगा देते हैं विकल्प नंबर एक में सही राइट आंसर, भाषा भूषण के रचनाकार माने जाते हैं जसवंत से है। पूजा जी बिल्कुल सही राइट आंसर, जिन्होंने एक चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। महाराज जसवंत से कृत भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ माना जाता है जिसमें 212 छंद है, प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है, शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन हुआ है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 है जो कि डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 213, क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है, वह ग्रंथ आपके लिए बताना है बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर। कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया, काव्य विवेक है, कवि कुल कल्पतरु है, या भाषा भूषण है, या फिर काव्य प्रकाश है। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 13 में विकल्प नंबर सी, यानी कि सी में आपका परमेंद्र जी राइट आंसर है भाषा भूषण। भाषा भूषण जो है चंद्रालोक की छाया है, ये बिल्कुल सही राइट आंसर, जिन्होंने सी चयन किया है सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 214, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ है, माता प्रसाद गुप्त है, अशोक वाजपेयी है, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है बताइए। और आपका सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 214 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही राइट आंसर है रमेश कुंतल मेघ, आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा रजनी जी, रमेश कुंतल मेघ। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक माने जाते हैं रमेश कुंतल मेघ, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 215 में आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर अध्ययन धाम जी बताइए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 215 में, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 215वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र, यहां पर सही राइट आंसर होगा। अरस्तु का काव्य शास्त्र रचना पूछी जाती है किन की रचना मानी जाती है, एक पूछा गया है आपसे तो डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 216वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति मानी जाती है बताइए, नई समीक्षा नए संदर्भ रतिपाल जी बिल्कुल, किनकी ये जो है आलोचना कृति मानी जाती है, नंद किशोर आचार्य की है ये, या रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा बताइए कन्हैया लाल जी, क्या होगा सही राइट आंसर। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है नंद किशोर आचार्य, लगा दीजिएगा सही राइट आंसर, नई समीक्षा नए संदर्भ ये नंद किशोर आचार्य
सॉरी, यहाँ पर सी होगा सही राइट आंसर। नंद किशोर आचार्य होगा सही राइट आंसर। विकल्प नंबर एक होगा आपका सही राइट आंसर। बिल्कुल, विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या पूछा गया है। आप्रवासी की यात्राएं बताना है। आप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 217 है और 217 का सही राइट आंसर बताना है। आप्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, धर्मवीर भारती या फिर कन्हैया लाल नंदन। क्वेश्चन नंबर आपका 217 है और 217 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 17 में डॉक्टर नगेंद्र जी की कृति मानी जाती है आप्रवासी की यात्राएं। विकल्प नंबर एक आपका सोहिता जी सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहां पर सही राइट आंसर चयन किया है। आप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक आपके लिए बताना है ये ग्रंथ किनका माना जाता है। डॉक्टर नामवर सिंह का है, डॉक्टर नगेंद्र नंद या फिर आचार्य डॉक्टर रामबिलास शर्मा या फिर आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 218 पूछा गया है। 218 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक आपसे पूछा गया है, जो कि डॉक्टर नगेंद्र जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी होगा सही राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत डॉक्टर नगेंद्र जी का ये ग्रंथ है। बिल्कुल सही राइट आंसर है मंजीत सिंह जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये देखिए, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। एक प्रकार से उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में ये मूल्य परक कथन इनमें से किस साहित्यकार का माना जाता है, ये आपको चयन करना है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 19 का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। और 19 का बाबू श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर सही राइट आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास आपका सही राइट आंसर है। कल्पना जी बिल्कुल सही, उन्हीं का ये कथन माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 220वां क्वेश्चन है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है, ये आपके लिए बताना है बताइए। लवली जी, मदन जी, संगीता जी, क्या होगा सही राइट आंसर। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है, आलोचना है, खोज एवं सर्वेक्षण है, कहानी है, ललित निबंध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना विधा की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, जोनाने भी एक चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, 1982 में इसका प्रकाशन हुआ। आलोचना विधा की रचना है, नामवर सिंह जी की रचना मानी जाती है। यह कृति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित मानी जाती है, आलोचनात्मक विधा की रचना मानी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 221 यहाँ पर पूछा गया, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है। अब भी पढ़ा पढ़ने ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है, हिंदी भाषा साहित्य, संजू कुमारी जी। बिल्कुल, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा सागर जी। विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है, तो ये भी आपका डबल क्वेश्चन हो गया। नामवर सिंह की रचना यह भी पढ़ा था पन्ने। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नांकित कृति में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है बताइए। वह कृति आपके लिए बताना है,
कौन सी कृति है जिसके लेखक नाम बारसा है, ये आपके लिए चयन करना है। और ये क्वेश्चन भी जो है आपसे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। दूसरी परंपरा की खोज ये नाम बारसा की कृति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है बताइए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर नामवार से है, डॉक्टर देवराज है या फिर रामविलास शर्मा है। सभी लोग एक बार लाइक अवश्य कर लीजिएगा वीडियो को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लाइक, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं अभी लाइक नहीं किए हैं। और आप सभी का सही राइट आंसर है, कविता के नए प्रतिमान आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी यानी कि नामवार से है एक इसके लेखक माने जाते हैं, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, नामवार से का कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है। पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली पहली हिंदी पुस्तक है बताइए, किस पुस्तक के संबंध में कथन है। चयन करना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक इतिहास सॉरी हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का नया इतिहास। 225वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है 225 का, हिंदी साहित्य की भूमिका के संदर्भ में ये कथन है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही राइट आंसर होगा मनीषा जी, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 226 पूछा गया है, प्रगतिवाद किसकी कृति है, प्रगतिवाद एक कृति मानी जाती है, किनकी कृति है बताइए। गुरप्रीत जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, रोली जी तो आप सभी का सही राइट आंसर है, प्रगतिवाद किसकी कृति है, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर डॉक्टर देवराज। चार विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर है शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान जो है उनकी एक कृति मानी जाती है, कौन सी, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद कृति शिवदान सिंह चौहान जी की मानी जाती है। प्रगतिवाद एवं साहित्य की समस्याएं ये रचनाएं शिवदान सिंह चौहान जी की मानी जाती है, जबकि रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हंस राज रहबर ने प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन और अमृत राय ने हिंदी साहित्य में संयुक्त मोर्चा नामक पुस्तकें लिखी है। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है बताइएगा। चार विकल्प दिए गए हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, किन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 का आपका सही राइट आंसर होगा, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। ममता सैनी जी डी राइट आंसर लगा दें, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय राइट आंसर होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जबकि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 दिया गया है, क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं चयन कीजिएगा। रामविलास शर्मा है, नलन बलोचन शर्मा है या फिर डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल है या फिर श्री कृष्ण लाल है। तो आपका 28वां क्वेश्चन है और 28 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि डॉक्टर नलन बलोचन शर्मा आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा, नलन बलोचन शर्मा आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है
बताइए किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? संस्कृति के चार अध्याय या कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर राग दरबारी? क्वेश्चन नंबर आपका 29 यहां पर पूछा गया है और 29 का सही राइट आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा बताइए। प्रमांशु जी हाँ बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, यानी कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत हो गया है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लवली जी। हाँ डॉक्टर जो नगेंद्र है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, इन्होंने संपादन किया है, बिल्कुल सही राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर, सही आंसर डी नहीं, बिल्कुल सही सी आपका सही आंसर है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया विजय कांत जी, देखिए रीमा कुमारी जी यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपसे 130, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? बताइए बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भाग में है? 2, 1, 3 या फिर 4 भाग में है बताइए। पार्वती देवी जी निशा जी बिल्कुल, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा। इसमें आपका 3 जो है सही राइट आंसर होगा, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग है? तो 3 भाग है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? रामविलास शर्मा आपके लिए बताना हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्मनता आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। 231वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा 231 का सही राइट आंसर बताइए। चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर क्या होगा, और बिल्कुल सही राइट आंसर यहां पर सभी लोग चयन कर रहे हैं कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। ये ग्रंथ रामविलास शर्मा जी का माना जाता है, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। 32वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है बताइए, कौन सी कृति है? सागर जी मदन जी बताइएगा, चयन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का सही राइट आंसर चयन करना है। किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद या फिर भाषा और समाज? तो राइट आंसर है भाषा और समाज, यहां पर सही आंसरों का 32 में विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही राइट आंसर है, भाषा और समाज आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए, रामविलास शर्मा है, नामवर से है डॉक्टर नगेंद्र है, नंद दुलारी वाजपेयी है। यहां पर आपको चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने जाते हैं, और 33 में रामविलास शर्मा आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जिन्होंने ए चयन किया है उनका सही राइट आंसर है रामविलास शर्मा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 234 आपसे पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने जाते हैं, वही क्वेश्चन आपसे यहां पर भी डबल हो गया है, तो रामविलास शर्मा आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 235 दिया गया है, भारतेंदु और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 235 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। डॉक्टर नामवर सिंह है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, विजय देव नारायण शाही है या रामविलास शर्मा है? सुप्रिया जी बताइए,
भारत तेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 में, और 35 का सही राइट आंसर है आस्था जी रामविलास शर्मा। यहाँ पर भी आपका रामविलास शर्मा राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, वह ग्रंथ आपके लिए बताना है, बताइएगा वह कौन सा ग्रंथ है, भाषा और समाज या फिर नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या नई कविता के नए प्रतिमान, बताइए। 36वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 36 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, कविता के नए प्रतिमान लगा दें सही राइट आंसर, बिल्कुल सही लगा दिया, विकल्प नंबर डी में आपका सही राइट आंसर। ये नामवर से है, इसके लेखक माने जाते हैं, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, नामवर से माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है पाल जी, विकल्प नंबर डी। तो इस प्रकार के जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग जो है लाइक से रवस्त करते जाइएगा, और रोज इसी तरह से अपनी सुबह 9 बजे एक क्लास होती है हिंदी साहित्य की, शाम को 4 बजे स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर भी एक हिंदी साहित्य की क्लास होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़ा करिएगा। और हिंदी साहित्य में 215 कवि और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जिसमें आपके 4700 प्रश्न होंगे, ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके लिए ये ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इस ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लें और इसी ऐप पर आपके लिए ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लवली जी, सागर जी, रौली जी, मदन जी, संगीता जी, सुप्रिया सिंह जी, रितु सुप्रिया जी और रितु प्रिया जी और अरुण जी, जसमेल जी, कन्हैया जी, सागर जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कन्हैया लाल जी बिल्कुल, सोनू जी, लवली जी, गुरप्रीत सिंह जी और बिंदु जी, अनुका जी, संगीता जी, पार्वती जी, कल्पना जी, मनीषा जी, दिनेश जी, रौली जी और श्वेता जी, मंजू जी, आस्था जी, शिल्पा जी, बिंदु जी और राविता मौर्य जी, नीता जी, निशा वर्मा जी, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रीमा कुमारी जी, अपनी ये रोज क्लास होती है, सभी लोग इसी तरह से जो है जुड़ा करिएगा, राजीव जी और सागर जी बिल्कुल लाइक अवश्य करके जाएंगे, सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। अरुण जी, प्रतिपाल जी बिल्कुल, मदन तनवर जी, रौली सिंह जी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ममता मेहता जी सभी के लिए जय हिंद।